अब सुनाते हैं आपके भेजे हुए चटपटे चटपटे चुटकुले। पहला चुटकुला भेजा है ऋषि कुमार जी ने गोपालगंज से। एक बार मैडम बच्चों से पूछती है, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे क्लासरूम के बाहर एक बम मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे? एक बदमाश टाइप में लड़का खड़ा हुआ बोला, मैडम थोड़ी देर देखेंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो ले जाके स्टाफ रूम में रख देंगे। अगला चुटकुला भेजा है श्यामलेंदु जी ने पटना से। एक बार एक बच्चे का टिफिन जो है टीचर खा जाते हैं, फिर टीचर बोलते हैं, सुनो घर जाके बोलोगे तो नहीं कि अध्यापक जी खा गए? बच्चा बोलता है, नहीं नहीं सर, मैं बोल दूंगा मेरा टिफिन कुत्ता खा गया। अच्छा है। अगला चुटकुला भेजा है विजय कुमार जी ने खगड़िया से। एक बार मकान मालिक घोंचूलाल से कहता है, आए घोंचूलाल नीचे आओ। क्या है सर? मैं तुमको किराया देने के लिए 3 दिन की मोहलत देता हूँ। घोंचूलाल ने कहा, ठीक है सर, मैं होली दिवाली और दशहरा को आपका किराया दूंगा। इन चुटकुलों के बीच में फरमाइश आई है किसी की, वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि उनका नाम है दारोगा कुमार जी। बस नाम के दारोगा हैं या नाम से दारोगा हैं? दारोगा कुमार जी, आप मधुबनी के रहने वाले हैं, आपने फरमाइश किया है कि हम आपकी पसंद के 2 गाने सुनाएं। दारोगा साहब, आपकी पसंद के ये 2 गाने। रिपोर्टिंग। अगला चुटकुला भेजा है निधि कुमारी जी ने गोपालगंज से। एक बार एक तांत्रिक ने एक आदमी से कहा, तुम्हारे सर पे भूतनी का साया है। आदमी बोला, खबरदार जो मेरी बीबी को भूतनी का। सॉरी डार्लिंग। अगला चुटकुला भेजा है पप्पू कुमार जी ने छपरा से। एक बार दिमाग का बहुत तेज प्रेमी प्रेमिका के घर गया, डोरबेल बजाया इस उम्मीद के साथ कि प्रेमिका आएगी, लेकिन दरवाजा बाप ने खोला और बोला, क्या है? अंकल प्लीज सपोर्ट अन्ना हजारे। अगला चुटकुला भेजा है सुनील कुमार सांवरा जी ने रांची से। एक बार एक कवि ने अपने दोस्त से कहा, अपने कॉलेज की सुनाता हूँ एक प्रेम कहानी। एक सुंदर सी लड़की थी, परसेंटेज की महारानी। कवि जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फंसा ली हमने लड़की, फेल हो गई महारानी। भाई इन चुटकुलों के बाद अब बारी है गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 8, 7 एंड 6।